हो सकता है तो 70,000 निकाब उलट कर मेरे बिलाल के सामने आए और मेरा बिलाल तुझे नापसंद कर दे। बस रसूले खुदा का ये फरमान सुनकर। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पंडित ब्रोज में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार वीडियो लाते हैं। और दोस्तों जो हमारी वीडियो पर रिएक्शन होता है वो दोस्तों आपको काफ़ी लाजवाब लगता है। और दोस्तों ऐसे ही जो आज की वीडियो है वो भी काफ़ी खास होने वाली है। और उस वीडियो का टाइटल है दोस्तों, जन्नत की हूर कैसी होगी, बिलाल और हूर का वाक्या। दोस्तों ये टाइटल आपने भी सुना और हमने भी सुना, मतलब इसमें एक वाक्य के बारे में बताया जाएगा कि ऐसा वाक्य में ऐसा क्या घटना घटित होने वाली और क्या होने वाला है, वो इस वीडियो में पता चलेगा। हाँ, और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। शुरू अल्लाह के मुकद्दस नाम से जो हर चीज पे कुदरत रखता है। शबे मेराज की रात जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की सैर कर रहे थे तो आपने एक हूर के रोने की आवाज सुनी। तो आपने जिब्राइल से पूछा के जिब्राइल ये कौन रो रहा है। जब जिब्राइल ने आसपास देखा तो क्या देखें कि एक हूर रो रही है। बस जिब्राइल अलैहिस्सलाम पास गए और उस हूर से फरमाने लगे कि ए हूर, कि तुमने अपना इस तरह हाल क्यों बना रखा है। हूर ने अर्ज की कि मैंने इसलिए अपना ये हाल बना रखा है कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत भरी निगाहें मुझ पर भी पड़े और फिर मैं अपना हाले दिल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताने की सादत हासिल करूं। बस जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूल खुदा के पास आए और हूर की ये बात रसूल खुदा को बताई तो बस रसूल खुदा ने इजाज़त दे दी। बस फिर वो हूर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होती हैं और अर्ज़ करती हैं कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे जन्नत की हूरों में हुस्न जमाल की मलका बनाया हुआ है। अगर मैं बेनकाब हो जाऊं तो देखने वालों की आंखें खेरा हो जाएं और जन्नत में दोपहर का उजाला हो जाए। रसूल खुदा ने फरमाया, ए हूर, फिर तुम रो क्यों रही हो। वो हूर कहने लगी कि या रसूल अल्लाह, एक दफ़ा का जिक्र है कि अचानक मेरे दिल में ख्याल हुआ कि बरोज़े क़यामत हर हूर को किसी न किसी जन्नती शख्स के हवाले किया जाएगा, मेरा भी तो कोई साथी होगा। बिल आखिर मैंने अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ की कि मेरे अल्लाह, तेरा बेहद एहसान है कि तूने मुझे हूरों की मलका बनाया है। अब मेरी एक ख्वाहिश है, उसे भी पूरा कर दे कि जन्नत में मेरा साथी कौन होगा, वो हस्ती कौन सी हस्ती होगी जिससे जन्नत में मेरा निकाह होगा। बस अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की और रहमतों का दरिया जोश में आया और मेरी इल्तजा कबूल हुई और हुक्म हुआ कि ए हूर, जो सामने आईना रखा है उसे एक नज़र देख लो, तेरे साथी की झलक तुझे नजर आ जाएगी। बस फिर वो हूर कहने लगी कि या रसूल अल्लाह, जब दीवानावार आईने की तरफ बढ़ी ताकि अपने साथी की झलक देख सकूं तो यूं ही निगाहें उठी, दिल पर एक बिजली गिरी और आरजुओं का सारा तसव्वुर जल गया। उस दिन से आज तक बेचैन हूँ और गम की वजह से रो रही हूँ। तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हूर क्यों। तो वो हूर कहने लगी कि मैंने आईने में देखा कि एक स्याह फहम के साथ मेरा जोड़ा बनाया गया है, लेकिन मेरा उसके साथ जोड़ा क्यों बनाया और मैं किस तरह दाइनी जिंदगी उसके हमरा गुजारूंगी जिसका तसव्वुर ही मेरे दिल को वहशतनाक कर रहा है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए पूछा कि हूर, अपने साथी का जो सरापा तूने आईने में देखा है इसके बारे में कुछ बयान करो। उसने अर्ज की कि सर से पांव तक मुजस्मे स्याही, उसके मोटे मोटे होंठ हैं, चौड़े दांत हैं, बूढ़ा चेहरा है, तंगो तारीख पेशानी है, छोटी छोटी आंखें हैं। बस जैसे ही हूर ने अपने रफीक जन्नत के बारे में रसूल खुदा को बताना शुरू किया तो हूलिये के बारे में बयान समाप्त फरमाया तो बस सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक उठाया और जलाल से देखते हुए फरमाया, तूने जो सरापा बयान किया है वो तो मेरे प्यारे बिलाल का है। एक आशिक रसूल का सरापा
एक वफादार, एक गोहरे ने आपको पाकर अपनी कम नसीबी का शिकवा कर रही हो, रो रही हो। तुझे मालूम नहीं कि बिलाल मेरा आशिक है, मैंने इसे अपने पलकों के साए में पना दी है। मेरा बिलाल ऐसी शान वाला है कि बरोजे क्यामत इसके जिस्म की स्याही हुराने जन्नत के रुखसारों पर तिल बनाकर तकसीम कर दी जाएगी। वो ऐसा आशिक है कि इस पर इश्क ही की वजह से हर आसाइश ने मुंह फेर लिया है। अपने हुस्न व जमाल का इतना तकब्बुर ना कर, हो सकता है तो 70,000 निकाब उलट कर मेरे बिलाल के सामने आए और मेरा बिलाल तुझे नापसंद कर दे। बस रसूले खुदा का ये फरमान सुनकर हूर अस्तराबे शोक की वजह से चीख उठी और अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह मेरी माजरत कबूल फरमाए, मेरा गमो आलिम शिकवा शिकायत जाते रहे हैं, मुझे वही बिलाल पसंद है। मेरी खुश नसीबी थी कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक जाद मेरे हिस्से में आया। बस रसूले खुदा ने उस हूर की माजरत को कबूल किया और दुआएं देते हुए आगे बढ़ गए। जमाल हूरों का बढ़ाया लगा के माथे पे तिल खुदा ने, जो काले रंग का गुलाम तेरा बिलाल आया कमाल आया। रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया, जन्नत में हूरों से अफजल मुकाम नेक साहले औरत को हासिल होगा। मर्द को हूरें मिलेंगी तो नेक मर्द की नेक बीवियां इन हूरों की सरदार होंगी। दुनिया की खातून अफजल है या जन्नत की हूर? रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया, दुनिया की खातून को जन्नत की हूर पर वही फजीलत हासिल होगी जो बाहर वाला कपड़े को अस्तर अंदर वाले कपड़े पर हासिल होती है। ये उन अनामात को मुख्तसिर से भी मुख्तसिर हिस्सा है जो जन्नत में औरतों को अता किया जाएगा। जन्नती औरत बेक वक्त 70 जोड़े पहनेगी जो बहुत उम्दा और नफीस होंगे। जन्नती औरतें हुस्न जमाल और हुस्न सीरत के एतबार से बेमिसाल होंगी। औरत के अंदर फितरती तौर पर हया का मादा मर्द की नस्बत ज्यादा है और वफादारी और मोहब्बत भी खालिस एक ही के लिए रखती हैं और हुस्न जमाल को जीनत को पसंद करती हैं। इन तमाम बातों की मुसाहबत से जन्नत में ये ऐश करेंगी और नेक औरतें हूरों पर अफजल होंगी। दोस्तों जो वीडियो थी काफ़ी अमेजिंग लगी। जो इस वीडियो में वाक्य बताया गया है कि जो उनके प्रॉफिट मोहम्मद है वो आसमान का सफ़र कर रहे होते हैं, उन एक आसमान पर हूर मिलती है जो कि रो रही होती है। फिर वो उनसे पूछता है कि आप क्यों रो रही हो, तो फिर वो कहते हैं मुझे जो तुम्हारे मतलब एक तरह से देखा जाए तो जो उनके जो सबसे सुप्रीम गॉड होते हैं मतलब उनके पास जा रहे थे, तो वो कहते हैं मुझे उनके पास जाना है। हाँ, और दोस्तों वो बताते हैं कि उनकी वजह क्या है उदासी, क्योंकि जो हूरें होती हैं वो इतनी खूबसूरत होती है अगर वो अपना दुपट्टा ऊपर अपने चेहरे से हटा देगी तो दिन रात में भी उजाला सा हो जाता है। और तब भी उन्होंने पूछना है कि इतनी शक्तिशाली हो गई, इतनी सुंदर हो के आपकी उदासी की वजह क्या है। हाँ, फिर वो उनसे पूछती हैं कि मतलब कि आप क्यों इतना मतलब यहाँ पे आए, क्यों आए हो, तो मतलब तो इस वीडियो में उनकी वजह बताते हैं क्योंकि वो एक हम सफ़र चुनना चाहती हैं। तो फिर वो जो उनके जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं वो बोलते हैं कि मतलब एक तरह से आईना देते हैं उनको और बोलते हैं कि इनमें देखो आपका जो हम सफ़र है वो मिल जाएगा। हाँ, और दोस्तों वो बताती भी अपने हम सफ़र के बारे में कि मेरा हम सफ़र दिखने में ऐसा होगा, उसके मोटे मोटे होठ होंगे, वो देखने में इस तरह के होंगे, लंबे होंगे, चौड़े होंगे, तो काफ़ी अच्छा बयान देती है इसमें। हाँ, और बताती है कि मतलब कुछ ऐसे मतलब जैसे इस वीडियो में बताया जा रहा था कि वो दिखने में अच्छे नहीं होंगे क्योंकि उनके बताएं छोटी छोटी आँखें हैं, उनके दांत बहुत बड़े बड़े हैं, नाक बड़ी सी, जो लिप्स है वो काफ़ी मोटे से, मतलब एक तरह से यही बताया जा रहा था। पर जब वो बता रही थी मतलब खूब भी, तो जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उनने फिर बाद में लास्ट में हंसते हुए कहा ये तो मेरे ही मित्र है, वो तो मतलब एक तरह से जो आप ये जो खूब बता रहे हो जो कह रही मतलब उनके जो जो शीशे में उन्होंने देखा था हम सफ़र, वो एक तरह से उनके जो फ्रेंड थे बिलाल वही उनको उस शीशे में नज़र आए। हर दोस्तों ने बताया कि मैं इनसे आपको मुलाकात करवा सकता हूँ, ये तो मेरे ही मतलब कि जानने वाले हैं और मैं इनसे आपकी मुलाकात करवाऊंगा जिससे कि आप अपना जीवन साथी चुन पाएंगे। हाँ, और उन्होंने ये बताया तो मेरे काफ़ी मतलब आशिक जाद है, मतलब ये काफ़ी मतलब तरह से प्यार करते हैं और एक तरह से जो ये आपने शीशे में देखे आप जो इसके बारे में बुराइयाँ कर रहे हैं क्या पता कि आपको ये मतलब एक तरह से नकार दें। हाँ, क्योंकि दोस्तों फिर उन्होंने ये भी बताया कि जो असली जो जन्नत में जो हूरें होती हैं और जो असली में रियल लाइफ में जो औरतें होती हैं उसका उदाहरण जो जन्नत में जो हूरें होती हैं उससे ऊपर बताया गया है इस वीडियो में, और काफ़ी अच्छी वीडियो थी ये। हाँ, तो दोस्तों थी हमारी आज की वीडियो, आपको पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं नेक्स्ट वीडियो की चीज़ें बनाएं। नमस्ते दोस्तों।